नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, निरंतर हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपके लिए विभिन्न विषयों में लेक्चर्स आयोजित करें और हम आपकी जिज्ञासाओं और आपके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भी इन लेक्चर्स का आयोजन करते हैं। मित्रों, आज के सेशन में हम नेट परीक्षार्थियों के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही विभिन्न और अहम विषय पर आज आयोजन कर रहे हैं इस लेक्चर का, और उम्मीद करते हैं कि जो आगामी परीक्षा है जो 5 नवंबर को होने वाली है उसमें आप सभी उत्तीर्ण होंगे। इसीलिए हमारी आज भी यही कोशिश है कि हम आपको पठन पाठन की सभी सामग्री उपलब्ध कराएं। मित्रों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे स्मृति, आगम, तंत्र, नाड़ी, कुंडलिनी शक्तियों पर। और आज के सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोमवीर आर्या। डॉक्टर सोमवीर आर्या सीईसी के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी तक पहुँचते हैं और आप सभी के लिए योग विषय को सरलता के साथ, आसानी के साथ पहुँचाते हैं। मित्रों, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इन सेशन से लाभान्वित होते हैं, और जैसा कि हम कह चुके हैं कि आपकी नेट परीक्षाएँ समीप है, आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों और आप इस लेक्चर से लाभ उठाएं, इस बात की हम कामना करते हैं। मित्रों, हम जानते हैं आपके मन में सदैव जिज्ञासाएं, प्रश्न उभरते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको आपके प्रश्नों के हल मिले। तो मित्रों, बताना चाहते हैं कि आज आप इस विषय पर हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर सोमवीर आर्या से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट कर लें, 1800-110-430। आप सभी से अनुरोध है कि पहले आप लेक्चर को ध्यान से सुने, सभी जानकारी आप प्राप्त करें, उसके बाद आप अपने प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सोमवीर आर्या का, और आज के इस विषय पर अधिक से अधिक जानकारी इनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो डॉक्टर आर्या, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। गीतिका जी, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है तंत्र योग के इस व्याख्यान में। तंत्र योग में बहुत सारी चीजें हैं, जो पहली यूनिट आपकी है नेट की, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया गया है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज बहुत सारी चीजों पे हम बात आपके सामने करने वाले हैं। और उन बहुत सारी चीजों में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मृतियों के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे आगम के ऊपर, तंत्र क्या है, नाड़ी क्या है, प्राण क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, क्योंकि बहुत ही चर्चित जो विषय है, बहुत ही चर्चित जो योग रहा है वो कुंडलिनी योग का रहा है, उसके ऊपर भी आज आपके सामने चर्चा करेंगे। किस प्रकार से उसके इफेक्ट हैं, किस प्रकार से उसकी साधना की जा सकती है, किस प्रकार से उसको जगाने के जो साधन है वो किस किस प्रकार से योग में है, उनके ऊपर भी आपके आज हम चर्चा करेंगे व्याख्यान में। उसके बाद षट चक्र साधना की हम चर्चा करेंगे कि कौन से 6 चक्र हैं, उनकी किस प्रकार से साधना होती है, किस प्रकार से उनके अक्षर हैं, किस प्रकार से उनका रंग है, किस प्रकार से उनका स्थान है, किस प्रकार के उनके कार्य है, किस प्रकार का कौन सा चक्र का कार्य है, आदि विषयों पर आपके सामने आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही विस्तृत व्याख्यान है, तो ध्यान से सुने, बहुत सारी चीजें नोट करने की, आप नोट भी करें उसको, और आगामी जो आपकी 5 नवंबर की जो परीक्षा उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारे जो आप विद्यार्थी हैं उनका बहुत सारा अनुग्रह आग्रह था कि ये फला फला टॉपिक हमारा रहता है, तो उनके विशेष आग्रह पे हम इस तरह इन टॉपिक्स को आपके सामने रख रहे हैं। तो आशा और विश्वास के साथ कि आपको व्याख्यान पसंद आएगा और आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, और मैक्सिमम जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, इसी आशा के साथ हम इस व्याख्यान के सामने व्याख्यान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं योग इन स्मृतिज। स्मृति क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या है स्मृति का, टाइप क्या है, किस कितने प्रकार की है, उसके बाद हम जानेंगे आगम और तंत्र को। तो सबसे पहले स्मृति को जानते हैं। स्मृति को आप किस प्रकार जान सकते हैं, स्मृति का अर्थ होता है याददाश्त, जिसको हम कहते हैं मेमोरी, जिसको हम कहते हैं किसी को कि फला व्यक्ति की मेमोरी जो है वो बहुत तेज है, शार्प है, उसका माइंड बहुत शार्प है, उसको बहुत पुरानी बातें भी याद रहती हैं, बहुत पुराना कोई इंसिडेंट होता है, बहुत पुरानी कोई बात होती है वो उसको याद होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस व्यक्ति की स्मृति यानी कि उसकी याददाश्त, उसकी जो उसका स्मरण शक्ति जो है वो उसकी तेज है, वो उसकी पुष्ट है, वो उसको बहुत अच्छे से उसको मेमोराइज करता है। जब चीज़ों को हम अच्छे से ध्यान करते हैं, आप व्याख्यान है इसको अच्छे से सुनेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, और एक एक चीज़ को जब अच्छे से सुनते हैं, उसको किसी न किसी चीज़ से आप कोरिलेट करते हैं, तो वो जो फला चीज़ आपने रिकॉर्ड की जिसके माध्यम से, वो उसको रिलेट करते ही वो चीज़ें आपके ध्यान में आ जाती हैं। तो कहते कि ये मैंने फला जगह सुनी थी, ये वो बात मैंने वहाँ सुनी थी, इस प्रकार का जो वर्णन है मैंने फला पुस्तक में मैंने पढ़ा था, फला राइटर ने या फला लेक्चरर ने मुझे ये बात बताई थी, मेरे गुरुजी ने फला समय पे मुझको ये बात बताई थी, इस
तरह की जो याददाश्त होती हैं, या जो याददाश्त होती हैं, जो हम याद रखते हैं किसी चीज़ को, हमारी मेमोरी जो होती है, जो पीछे की जो काम हमारे बीते, जो पीछे का जो संस्कार हमारे होते हैं, उनको याद रखना, उनको मेमोराइज रखना स्मृति कहलाती है। सीधा सा अर्थ यही लेंगे कि स्मृतियाँ वो होती हैं जो स्मरण रहें। स्मरण कौन सी चीज़ रहेगी? जो पूर्व में हमने सुनी होगी, जो पूर्व में हमने देखी होगी, उसको हम स्मृति कहते हैं। सीधा सा अर्थ है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्मृति क्या है, स्मृतियाँ क्या हैं। कन्फ्यूजन की का कोई विषय नहीं है इसमें, केवल सिंपल समझेंगे। स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति आपकी पीछे की कितनी है, याददाश्त जिसको आप बोल सकते हैं, मेमोरी जिसको आप बोल सकते हैं। इसलिए योग इन स्मृति, स्मृतियों में योग क्या है, कौन सी स्मृतियां हैं जिनमें योग है, उनकी चर्चा भी आपके सामने मैं अभी करूंगा। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया स्मृति का, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति। उसके बाद टाइप क्या है, कितने प्रकार की स्मृति मुख्य रूप से कही गई है, वो दो टाइप उसके कहे गए हैं, पहला लेखन, दूसरा श्रवण। लेखन क्या होता है? जो मैंने कहीं लिखा है, गुरु शिष्य परंपरा की ये चीज़ है जो स्मृति है। कोई गुरु किसी को उपदेश देता है शिष्य को, और वो उस उपदेश को याद रखता है, उसको मेमोराइज रखता है, उसको कहते हैं श्रवण। और कोई गुरु किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को लिखवाता है, जैसे आप अभी नोट डाउन कर रहे हैं, मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, वो लेखन है। और आप मेरी बात को सुनकर उसको याद रख रहे हैं, और जब भी कोई परीक्षा आती है, कोई वर्णन आता है, कोई आपकी किसी के साथ आप कंसल्ट करते हैं किसी टॉपिक को, तो उस समय पर मेरी बात आपको याद आ रही है, वो श्रवण की श्रेणी में आती है। और जो आपने लिखी है, वो आप लिखी हुई आपको होती है, वो स्मृति दूसरी होती है। तो यहाँ मुख्य हम बात करेंगे जो श्रवण जो स्मृतियाँ हैं, जो सुनी हुई जो स्मृतियाँ हैं, आप मेरे व्याख्यान को सुनकर के किसी बात को कोरिलेट करेंगे, वो आपका सुनी हुई चीज़ें हैं, यानी कि वो आपकी स्मृति है। वो मेरे द्वारा कही गई बात है, और वो आपके द्वारा सुनी हुई बात है, और मेरे द्वारा कही गई आपके द्वारा सुनी गई, और उसको आपने, उसको स्मृति को, उस स्मरण शक्ति में उसको आपने संजोए रखा, और जब भी कोई बात आती है तो आप उसका वर्णन करना शुरू करते हैं, यही स्मृति कहलाता है। तो गुरु शिष्य परंपरा की चलती, तो लेखन का इसमें नहीं है मुख्य रूप से, इसमें केवल श्रवण का है, लेकिन दो पार्ट है, मैंने इसलिए आपको दो पार्ट इसके बताए हैं। तो श्रवण में कौन सा आता है, और किन किन कौन कौन सी श्रवण है, श्रवण स्मृतियां हैं जिनको योग में रखा गया है, और योग के किन किन में ज्यादा है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो योग इन स्मृति में कौन कौन सी स्मृतियां हैं जिनमें योग मुख्य रूप से चर्चा की गई है, योग की चर्चा की गई है। वैसे तो स्मृतियां बहुत हैं, 20 से 25 स्मृतियां मुख्य रूप से कही गई हैं, लेकिन यहां हम केवल उन स्मृतियों की चर्चा आपके सामने करेंगे जिन स्मृतियों में योग का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जो हमारे सिलेबस में काम आने वाली चीजें हैं। उनमें कौन सी है? सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति, बहुत फेमस स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। उसके बाद मनुस्मृति, बहुत ही फेमस है, ये भी सबको पता होगा। मैं जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, वो याज्ञवल्क्य ऋषि जो हुए हैं उनकी कही गई स्मृति है। और उसके बाद जो मनुस्मृति है, वो मनु के द्वारा कही गई है। इसके बाद जो गीता है, बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि गीता भी क्या स्मृति है, जी बिल्कुल, गीता एक स्मृति है, स्मृति ग्रंथ इसको कहा गया है। उसके बाद घेरण संहिता भी एक स्मृति ग्रंथ है, इसको मैं आप बताऊंगा कैसे घेरण संहिता है, कैसे गीता है, उसकी भी चर्चा आपके सामने करेंगे। सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति की चर्चा आपके सामने कर लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में भी है आपका। जो याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं उनकी स्मृति है। इन्होंने किस प्रकार के योग की चर्चा इसमें मुख्य रूप से की है, ये क्वेश्चन बनता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में किस प्रकार के योग की मुख्य रूप से चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे कि ज्ञान योग की मुख्य रूप से उसमें चर्चा की गई है। ज्ञान योग को ही प्रमाणिक माना है, ज्ञान योग को ही उन्होंने प्राथमिकता दी है, ज्ञान योग का ही उन्होंने प्रचार उसमें किया है, ज्ञान योग की ही बात उन्होंने उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में कही है। इसलिए याज्ञवल्क्य स्मृति का जो मुख्य जो विषय है वो आप याद रखेंगे, ज्ञान योग उसका मुख्य विषय है। उसके अलावा भी उन्होंने चर्चा की है, उसके अतिरिक्त उन्होंने चर्चा की है अष्टांग योग की भी। अष्टांग योग किस प्रकार उन्होंने चर्चा की है, अलग अलग अध्याय हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कोटेशन में उन्होंने यम का कहीं चर्चा की है, यम के पाठ अहिंसा की कहीं चर्चा की है, सत्य की कहीं चर्चा की है, ऐस्ते की कहीं चर्चा की है, ब्रह्मचर्य की कहीं चर्चा की है, अपरिग्रह की कहीं अलग चर्चा उन्होंने की है। इसलिए अलग अलग इंसिडेंट में, अलग अलग उस संदर्भ में उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की है, ऐसे ही नियम की चर्चा उन्होंने की है, ऐसे ही कहीं आसन प्राणायाम की चर्चा उन्होंने कही है, ऐसे ही प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की चर्चा उन्होंने कहीं कहीं कही है, क्योंकि उनका पूरा विस्तृत रहा
और उस पूरी याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें अनेकों जगह आपको ज्ञान योग में भी उसके उसका वर्णन मिलता है, और अष्टांग योग का भी सेकेंडरी आप कहें तो उसको उसकी चर्चा उसमें मिलती है, क्योंकि अष्टांग योग सबसे प्रमाणिक योग माना गया है महर्षि पतंजलि द्वारा जो प्रणीत है। उसके बाद गीता में भी मैंने आपके सामने रखा था कि गीता में अष्टांग योग किस प्रकार से उनका भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी चर्चा योग गीता में की है। इसलिए सबसे मुख्य जो याज्ञवल्क्य स्मृति का जो विषय है वो ज्ञान योग कहेंगे, याज्ञवल्क्य ऋषि इसके रचयिता कहेंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं मनुस्मृति की। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति मनु का उपदेश है, मनु उपदेशित उपदेश दे रहे हैं, परंतु उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि वो किसको वो उपदेश दे रहे हैं। उस उपदेश को ही उन्होंने मनुस्मृति का नाम दिया गया है, और मनुस्मृति में बहुत सारी विषयों की चर्चा की गई है, वो बहुत सारे उसमें योग की भी चर्चा की गई है। मनुस्मृति में आप देखेंगे अलग अलग योग की चर्चा की गई है, अष्टांग योग की भी उसमें कहीं बात की गई है, उसमें राजयोग की भी कहीं बात की गई है, बहुत सारे किस प्रकार से धर्म होना चाहिए, किस प्रकार से एक वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से एक एक समाज को स्थापित करने के लिए एक आधार स्तंभ कही जाने वाली वर्ण व्यवस्था का भी उसमें वर्णन मिलता है, इसलिए उसको भी इसमें रखा गया है इसमें स्मृति ग्रंथों में। उसके बाद मुख्य रूप से हम चर्चा करते हैं गीता की। गीता कहेंगे कि कैसे स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ किसी के द्वारा उपदेशित है। जब आप देखेंगे गीता का उद्भव होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सूर्य ने विवश्वान को, विवश्वान ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार से एक परंपरा के हिरण्यगर्भ ने सूर्य को, सूर्य ने विवश्वान को, विवश्वान ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया, और इस प्रकार से ये जो परंपरा थी, ये परंपरा विलुप्त प्राय हो गई थी, ये जो परंपरा है इसका लोप हो गया था कहीं ना कहीं, और आज पुनः मैं इस योग को तुम्हारे सामने कहता हूँ। इसलिए वो जो स्मृति थी, वो जो स्मृति उस समय पे कही गई थी, वो भगवान श्री कृष्ण को याद थी, और उसी स्मृति के, उसी स्मरण शक्ति के आधार पे गीता का जो है उपदेश हुआ। जो स्थिति वहां पे देखी योगीराज श्री कृष्ण ने कि किस प्रकार से अवसादग्रस्त कृष्ण है, किस प्रकार से कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है, किस प्रकार से अकर्मण्यता का भाव अर्जुन में आ चुका है, और किस प्रकार से उसको दूर किया जाए, तो उस समय पे वो जो स्मृति जो शेष थी भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि में, उनपे उन्होंने वो उसको वहां पे अप्लाई किया, वहां पे उनको कहा, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं ये ज्ञान वहां से आकर के हिरण्यगर्भ से शुरू होकर के सूर्य विवस्वान और इक्ष्वाकु से लेकर के यहां तक, वो उसके बाद वो विलुप्त प्राय हो गया, उसका लोप हो गया, किसी ने चर्चा उसकी नहीं की, परंतु आज मैं पुनः उसको आपके सामने कह रहा हूं, इस बात की चर्चा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वो एक स्मृति ग्रंथ है। तो इसलिए गीता का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा स्मृति ग्रंथ है, तो उसमें गीता का भी एक ऑप्शन हो तो उसको भी आप लिखेंगे, क्योंकि गीता भी वो जो है वो स्मृति ग्रंथ है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि घेरण संहिता है, वो घेरण संहिता कहेंगे, संहिता वो कैसे स्मृति ग्रंथ है। तो आप देखेंगे जब घेरण संहिता शुरू होती है तो सबसे पहले जब वो कहते हैं, जो घेरण ऋषि इसके जो रचयिता हैं, वो कहते हैं कि चंड कपालिक राजा के बारे में उसको वर्णन करते हैं कि चंड कपालिक राजा हैं, उनको वो चीजें बता रहे हैं, और उस चीज को उन्होंने राइटरों ने, बहुत सारे राइटरों ने लिखा है। आज आप कहेंगे कि ये तो लेखन में है, लिखी हुई है, ये लिखी तब है जब किसी के द्वारा कही गई है। राइटर बहुत अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सुनने वाले बहुत कम होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिन्होंने इस बात को सुना होता है, और सुनने के बाद आप उसको स्मृति को आप लेखन में प्रयोग कर रहे हैं, वो एक उसका दूसरा स्वरूप होता है। इसी प्रकार से सभी जो स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति भी लिखी गई है किसी राइटर के द्वारा, मनुस्मृति भी किसी राइटर के द्वारा लिखी गई है, गीता भी बहुत सारे राइटरों ने उसको लिखा है, घेरण संहिता को भी बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, और भी जो मुख्य जो स्मृतियां उनको भी लिखा, परंतु इनका जो लिखने का है वो अलग अलग राइटर हो सकते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग उसको लिख सकते हैं, परंतु ये स्मृति रही क्योंकि चंड कपालिक राजा को जो बात घेरण ऋषि ने कही उसको सुन करके उन्होंने उस बात को आगे ट्रांसफर किया, उसके बाद आगे उस बात को ट्रांसफर करते रहे, और वो एक स्मृति जो है वो ट्रांसफर होती रही एक परंपरा के बाद। जैसे मैंने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा है, मेरे जो गुरु जी है मैंने उनसे सीखा है, मैं किसी आपको सिखा रहा हूं, आप किसी अन्य को सिखा रहे हैं, अन्य किसी अन्य को सिखा रहा, एक परंपरा है, एक चेन सिस्टम है। इसके माध्यम से घेरण संहिता भी हमारा स्मृति ग्रंथ है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से चंडकपालिक राजा को उन्होंने कही, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मनुस्मृति में कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि किसको उपदेशित कर रहे हैं, ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसको उपदेशित किया, इसलिए स्मृतियां इनको कहते हैं। तो इस प्रकार से आप स्मृतियों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ तंत्र एंड आगम।
तंत्र क्या है, आगम क्या है, बहुत गूढ़ शब्द है, बहुत विस्तृत शब्द है तंत्र और आगम। इसके यदि गूढ़ता में जाएं, इसके यदि अर्थ में जाएं तो बहुत व्यापक इसका अर्थ होता है, लेकिन यहां तंत्र का अर्थ है तानना। इंट्रोडक्शन ऑफ तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तंत्र का अर्थ होता है तानना। तानना किसी चीज को, और दूसरा इसको हम कहें जिसको तानने से त्राण मिले उसे तंत्र हम कहते हैं, यानी कि जिसको तानने से हमें त्राण मिले। त्राण का अर्थ यहाँ पे मुक्ति से लिया गया है, त्राण अर्थात मुक्ति। योग का जो मूल उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है, पुरुषार्थ चतुष्टय का जो मूल उद्देश्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति है। सभी योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति ही होता है। और इसमें भी कहा गया है तंत्र का अर्थ है तानना, अर्थात अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है उसको बहुत ब्रॉड करना, उसको विशालता के ऊपर लेके, जो उस विशालता करना, उसमें उसको बहुत ब्रॉड करना, उसको विस्तृत करना, उसका फैलाव करना, उसको एक्सटेंड करना जो होता है वो तंत्र होता है, तंत्र योग के अंतर्गत वो आता है। और किस प्रकार से हम अपने ज्ञान को तानेंगे, तानना का अर्थ है जिसको, जिनसे मुक्ति मिले, जिस ज्ञान से, जिस बुद्धि से, जिस विषय से, जिस विषय से आपको मुक्ति मिल रही है, जिस ज्ञान से आपको मुक्ति मिल रही है, त्राण हो रहा है, उसको तानना। उसको तानने का अर्थ ब्रॉड करना, उसको विस्तृत करना। जैसे हम कहते हैं कि प्राणायाम करना हमें चाहिए, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, प्राण प्लस आयाम, यानी कि प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ है उसका विस्तारीकरण करना, उसका नियंत्रण करना, उसको ब्रॉड करना, उसको बढ़ाना। जो श्वास प्रश्वास की सामान्य क्रिया चली हुई है, उस सामान्य क्रिया में अवरोध पैदा करके उसमें विच्छेद पैदा कर देना, यानी कि उसको नियंत्रित कर देना, अपने नियंत्रण में उसको लेना, एक सामान्य श्वास प्रश्वास ना चले बल्कि वो हम अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएं और उसको हम इतना एक्सटेंड करें कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, लाइफ है, वो हमारी एक्सटेंड हो जाए, बढ़े। ठीक यही है जो ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी क्षमता है, जो आपके विषय पे अधिकार है, उसको बहुत वाइड करना, बहुत ब्रॉड करना ही तंत्र योग का काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तंत्र में तो अनेकों साधनाएं होती हैं, बहुत सारा गलत अर्थ इसका लिया जाता है, परंतु यहाँ सीधा सीधा इसका अर्थ है ज्ञान से है, और वो ज्ञान जो आपको मुक्ति दिलाए, वो ज्ञान जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाए, वो ज्ञान जो आपको जीवन मरण के बंधन से मुक्त करवाए, वो ज्ञान जो आपके मुक्ति को, आपको मुक्ति के सोपान में लेकर के जाए, वो ज्ञान जो आपको एक तरह से इस जीवन से तैरा करके पार कर दे, उस ज्ञान को हम तंत्र कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उसमें टाइप ऑफ तंत्र हम पढ़ेंगे। तंत्र बहुत प्रकार के हैं, बहुत सारे उनके वो कहे गए हैं कि इनके जो वो भेद हैं, जो संप्रदाय हैं, वो बहुत अलग अलग हैं, उसको हम चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से पांच भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले शैव, उसके बाद शाक्त, उसके बाद वैष्णव, उसके बाद गानपत्य और उसके बाद सौर। पाँच प्रकार के इसमें तंत्र के भेद कहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शैव को। शैव कौन है? जिसका जो व्यक्ति, जो संप्रदाय, जो एक समूह ये मानता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है और इस सृष्टि का जो प्रलय है, जो संहार करता है, वो भगवान शिव है, वो जो संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय कहा गया है। तंत्र में जो संप्रदाय है, सबसे पहला जो संप्रदाय है वो शैव है, सबसे प्रमुख संप्रदाय इसको हम कहते हैं। इस संप्रदाय के सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में मानने वाले लोग हैं। इसलिए जो व्यक्ति माने कि शिव से ही सृष्टि की उत्पत्ति, शिव से ही सृष्टि का प्रलय होना है, वो जो संप्रदाय के लोग हैं, उस विचारधारा के जो लोग हैं, उस संप्रदाय के जो लोग हैं, वो शैव संप्रदाय कहा गया है। दूसरा शाक्त। शाक्त का अर्थ है देवी, जिसको हम देवी कहते हैं। जो व्यक्ति मानता है कि देवी से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, देवी ही सृष्टि का प्रलय करने वाली है, देवी ही सृष्टि का पालन करने वाली है, पोषण करने वाली है और संहार करने वाली है, वो जो संप्रदाय है, उस विचारधारा के जो लोग हैं, उस एक आइडियोलॉजी के जो लोग कहे गए हैं, वो कहे गए हैं शाक्त। शाक्त जो परंपरा है तंत्र योग की, उसके अंतर्गत उनको रखा गया है। उसके बाद वैष्णव, जिन व्यक्तियों की विचारधारा है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति विष्णु से हुई है और इस सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु हैं, इस सृष्टि के संहारकर्ता विष्णु हैं, इस सृष्टि का प्रलय करने वाले विष्णु भगवान हैं, उनको, वो जो संप्रदाय है, उस विचारधारा के जो लोग हैं, वो वैष्णव संप्रदाय कहा गया है। वैष्णव संप्रदाय, तंत्र का वैष्णव संप्रदाय उसको कहा गया है। उसके बाद चौथा जो संप्रदाय है गानपत्य। जो व्यक्ति मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान गणेश से हुई है, भगवान गणेश ही इस सृष्टि के पालन करता है, भगवान गणेश ही इस सृष्टि के संहार करता है, प्रलय करता है,
पालन करता है, पोषण करता है, वो संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं, उस विचारधारा के जो लोग हैं, वो गणपत्य विचारधारा के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं। और जो लास्ट में है सौर परंपरा, सौर परंपरा यानी कि जो सूर्य को ही उत्पत्ति का कारण मानते हैं, सूर्य को ही भगवान जो मानते हैं, सूर्य ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की मानते हैं, सूर्य ही इस सृष्टि का संहार करता और प्रलय करता है, और सूर्य ही इस सृष्टि को पोषित करने वाला है, सूर्य ही इस सृष्टि को एक ऊर्जा देने वाला है, सूर्य ही इस सृष्टि को चलाने वाला है, दिन रात का जो सिस्टम है वो जो मैनेज करने वाला है वो ही सूर्य है, सूर्य को ही जो प्रमुख जो लोग मानते हैं, उस विचारधारा के लोग सौर परंपरा में कहे गए हैं। सौर परंपरा मुख्य रूप से आप देखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर की, जो बहुत सारे लोग सौर परंपरा में विश्वास रखते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित था। कर्नाटक में आप कोणार्क का मंदिर देखेंगे, वो भी सूर्य मंदिर है, सूर्य का मंदिर है, तो वो बहुत फेमस मंदिर है, पूरे भारत में एक ही मंदिर है, तो वो सूर्य का मंदिर है, सूर्य के उपासक वहाँ लोग हैं, सूर्य को भगवान के रूप में मानते हैं। उस संप्रदाय के जो लोग हैं, उस तरह की विचारधारा के जो लोग हैं, वो आप अपने आप को सौर संप्रदाय से मानते हैं, तंत्र का जो सौर संप्रदाय है उससे मानते हैं। और मुख्य रूप से आप जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे आज भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सारा उसका साहित्य आपको मिलेगा, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे इस प्रकार का सौर परंपरा का मुख्य जो विषय है, मुख्य जो एक केंद्र रहा, वो आप देखेंगे साउथ के साथ साथ आप जम्मू कश्मीर में भी उसका बहुत प्रभाव आपका रहा सौर परंपरा का। इस प्रकार हम जानेंगे तंत्र क्या, तानना, उस ज्ञान को, अपने ज्ञान को तानना जिससे हमारे को मुक्ति प्राप्त हो जाए, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने नॉलेज को ब्रॉड करना, अपने अंदर विशालता लेके आना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, इंक्रीज करना अपनी नॉलेज को, तंत्र कहा गया है। और जिस वही ज्ञान जो मुझसे मुक्ति मिले, ज्ञान उसको कहा गया जो आपको मुक्ति प्रदान करे, वो ज्ञान नहीं है जो अज्ञान से नहीं कभी भी आपको मुक्ति मिल सकती, यानी कि सही मायने में सही अर्थ में वो ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उसके टाइप हमने पढ़े, पहला शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य और सौर, इनको आप नोट डाउन करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय की मान्यता क्या है, शाक्त संप्रदाय की मान्यता क्या है, वैष्णव की क्या है, गणपत्य की क्या है, सौर की क्या है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे, नोट डाउन आप करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगम। आगम वो ग्रंथ हैं जो शिव के द्वारा कहे गए हैं, भगवान शिव जिन ग्रंथों को का उत्पत्तिकर्ता माना जाता है, प्रवक्ता माना जाता है, जिन ग्रंथों को माना जाता है कि भगवान शिव के द्वारा कहे गए हैं, उन सभी ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा गया है। और आगम ग्रंथ में भी ठीक इसी प्रकार के संप्रदाय बांटे गए हैं, इसी प्रकार की कैटेगरी उसमें डिसाइड की गई है कि कौन सी कैटेगरी के ये लोग हैं, किस प्रकार से आगम में भी संप्रदाय कहे गए हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से तंत्र में उनको कहा गया है। इसलिए आप देखेंगे तंत्र और जो आगम है वो एक दूसरे के बहुत सिमिलर है, बहुत सारी समानता उसके अंदर है। आगम का अर्थ मैंने आपको बताया, भगवान शिव द्वारा उपदेशित ग्रंथों को ही आगम कहा गया है, जिन ग्रंथों के उत्पत्तिकर्ता, जिन ग्रंथों के जो कमेंटेटर लॉर्ड शिवा हैं, उनको हम आगम ग्रंथों में रखते हैं। उसके भी हम चर्चा करते हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य और सौर, इस प्रकार के उनको कहा गया है। शैव में भी जो शिव के द्वारा इस मानते हैं सभी जो ग्रंथों की उत्पत्ति, वो उसमें शैव में रहे हैं। जो शाक्त यानी दुर्गा के द्वारा मानते हैं कि इन ग्रंथों की उत्पत्ति दुर्गा के द्वारा हुई है, देवी के द्वारा हुई है, वो शाक्त कहे गए हैं। वैष्णव जिन ग्रंथों की उत्पत्ति मानते हैं कि विष्णु ने इन ग्रंथों की उत्पत्ति की है, वो वैष्णव संप्रदाय से कहे गए हैं। जो लोग मानते हैं इस जो सब्जेक्ट है, इस जो बुक है, ये जो साहित्य है, इसकी रचना गणेश ने की है, वो गणेश को मानने वाले व्यक्ति गणपत्य संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और जो मानते हैं कि ये जो साहित्य है, ये जो पुस्तकें हैं, ये जो सौर यानी कि सूर्य के द्वारा उपदेशित हैं, सूर्य इनके वक्ता कहे गए हैं, प्रथम वक्ता कहे गए हैं, वो व्यक्ति सौर परंपरा से रहे हैं। तो तंत्र और आगम दोनों एक दूसरे के पूरक से दिख रहे हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज में दिख रही है। इसको आप नोट डाउन करेंगे और इनके भेद को आप जानेंगे, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारी दोनों की चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, तंत्र की भी और आगम भी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कंसेप्ट ऑफ नाड़ी एंड प्राणा इन तंत्रा, कि क्या कंसेप्ट है नाड़ी और प्राण का तंत्र योग में। ये भी तंत्र योग का आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि आप कहते हैं कि जो तंत्र योग है उसके क्या क्या चीज़ आती हैं, उसके अंदर तंत्र योग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो तंत्र योग में आप देखेंगे, तंत्र में आपका स्मृतियां आपकी तंत्र योग में आती हैं, उसके बाद आप देखेंगे आगम आपका तंत्र योग में आता है,
नाड़ी आपकी तंत्र योग में आती हैं, प्राण आपके तंत्र योग में आते हैं, कुंडलिनी शक्ति आपकी तंत्र योग में आती है, उसके बाद षट चक्र साधना आपका तंत्र योग में आता है। तो इस प्रकार से तंत्र योग बहुत बड़ा है। तंत्र योग के ऊपर यदि हम बोलने लगे तो बहुत ज़्यादा समय हमें इस पे लगेगा तंत्र योग पे, लेकिन स्पेसिफिक हम उसी चीज़ों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं जिसकी चर्चा नेट के सिलेबस में दी गई है। इसलिए हम देखते हैं नाड़ी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाड़ी। प्राण के जो प्रवाह का जो मार्ग है, प्राण को और शक्ति का जो प्रवाह जिसके माध्यम से हमारे शरीर में होता है, असंख्य नस नाड़ियों से हमारा शरीर बना है। छोटी छोटी नस नाड़ियों से पूरे शरीर में, सिर से लेकर के पैर की एड़ी तक जो पूरा शरीर हमारा है उसमें एक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। छोटी छोटी बहुत सारी कुछ धमनियाँ, कुछ शिराएँ होती हैं, कुछ से रक्त जा रहा है, कुछ से रक्त वापस आ रहा है। वो बहुत एक बड़ा तंत्र है जिसको हम नाड़ी कहते हैं। प्राण का प्रवाह जिससे हम मुख्य रूप से योग की भाषा में उसमें कहते हैं कि प्राण का प्रवाह जिससे होता है, ऊर्जा का प्रवाह जिससे होता है व्यक्ति में, एक एनर्जेटिक रहने के लिए जिसको हम कहते हैं कि ऊर्जा जब समाप्त हो जाती है, ऊर्जा का प्रवाह जब कहीं बंद हो जाता है, ऊर्जा कहीं से ट्रांसफर होने यानी कि उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो क्लोज हो जाता है, सर्कुलेशन उसका खत्म हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं डेड हो जाते हैं, वो हमारी मृत्यु हम हो जाती है। इसलिए जो नाड़ी है वो नाड़ी हमारे प्राण का, हमारे जो एनर्जी है उसका आधार कहा गया है नाड़ियों को। अब नाड़ियाँ कितनी हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे दो भेद कहे गए हैं। नाड़ियाँ अकॉर्डिंग टू स्वामी स्वात्माराम 72,000 उनकी संख्या कही गई है। नाड़ियाँ अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिवा भगवान शिव के द्वारा 3,50,000 नाड़ियों की चर्चा उसमें की गई है। तो आप यहाँ किस प्रकार की आप ध्यान रखेंगे, 72,000 रखेंगे कि आप 3,50,000 को उसमें क्वेश्चन में करेंगे? तो क्वेश्चन पहली बार तो क्लियर आपको करके आएगा, अकॉर्डिंग टू स्वात्माराम नाड़ियों की संख्या कितनी है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव के द्वारा उपदेशित नाड़ियों की संख्या कितनी है, या हठ प्रदीपिका में वर्णित नाड़ियों की संख्या कितनी है, या शिव संहिता में वर्णित नाड़ियों की संख्या कितनी है। इसलिए अलग अलग चीज़ें आएंगी, आपको कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं रहेगा। तो आप जब शिव संहिता की नाड़ियों की संख्या आती है 3,50,000 उनकी संख्या लिखेंगे। यदि आता है कि स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में कितने लिखे हैं, स्वात्माराम जी आए या फिर हठ प्रदीपिका उस क्वेश्चन में आए, तो आपको लिखना 72,000 नस नाड़ियों का वर्णन उन्होंने किया है। इनमें भी स्पेसिफिक हैं बहुत सारी नाड़ियों को, भगवान शिव ने 14 नाड़ियों को प्रमुख माना है और उन 14 नाड़ियों में एक चित्रा नाड़ी को प्रमुख माना है। 14 नाड़ियों की संख्या वो अलग बताते हैं कि ये फला फला नाड़ियाँ 14 हैं, उनमें भी 10 को प्रमुख माना है और उस 10 में से 3 को प्रमुख माना है, 3 में से 1 को ही उन्होंने प्रमुख माना है। उनकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे कि किस प्रकार से वो कौन सी नाड़ियां हैं कि जिनका स्पेसिफिक कहा गया है कि 3,50,000 से 72,000 किस प्रकार होती है, 72,000 की 10 किस प्रकार से होती हैं, यानी भगवान शिव ने 3,50,000 के बाद 14 को प्रमुख माना है, 14 के बाद उन्होंने एक चित्रा नाड़ी को और अन्य उनको प्रमुख माना है, उन 14 में भी उन्होंने फिर 3 को स्पेसिफिक माना है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को, उसमें भी एक उन्होंने सुषुम्ना को प्रमुख माना है। ठीक इसी प्रकार स्वामी स्वात्माराम जी भी उसकी चर्चा करते हैं कि आप जो 72,000 जो नस नाड़ियां हैं उनमें 10 नाड़ियां प्रमुख हैं, वो 10 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, 3 नाड़ियों में भी 1 नाड़ी प्रमुख है। यहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटी दिखती है, थोड़ा सा डिफरेंसेस इसमें लगता है, लेकिन सिमिलरिटी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। जहाँ जहाँ इसका स्थान कहा गया है, जहाँ जहाँ इसका काम कहा गया है, जो जो इसकी कार्य क्षेत्र कहा गया है, वो सारा सेम है, सिमिलर है। आप शिव सौरोदय में देखेंगे उसमें भी इसी प्रकार की चर्चा मिलती है, आप गौरव शतकम में देखेंगे उसमें भी इसी प्रकार की चर्चा मिलती है। तो बाकी जो ग्रंथ हैं नाड़ियों की चर्चा समान मिलती है और 10 नाड़ियों को ही सभी ने प्रमुख माना है। परंतु यहाँ पे मैं आपको इसलिए चित्रा नाड़ी का वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि चित्रा नाड़ी जो है भगवान शिव द्वारा उपदेशित 14 नाड़ियों से अन्य एक नाड़ी का नाम कहा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, सब 14 नाड़ियों को प्रमुखता से याद रखेंगे, लेकिन ये गुगली कहाँ पे है, यहाँ पे गुगली है कि एक नाड़ी ऐसी कौन सी है जो प्रमुख नाड़ियों से अलावा जिन्होंने उसका वर्णन कहा गया और कहा है ये चित्रा नाड़ी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए चित्रा नाड़ी को आप ध्यान रखेंगे, चित्रा का सीधा सीधा संबंध भगवान शिव से है और भगवान शिव ने ही चित्रा नाड़ी का वर्णन शिव संहिता में किया है। इसलिए और 72,000 जो नस नाड़ियां हैं उनमें केवल 10 को स्पेसिफिक कहा है, इनमें 14 प्लस 1 को आप ध्यान रखेंगे, ये नोट डाउन करने की चीजें हैं। इसके बाद 3 प्रमुख जो नाड़ियां हैं
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो 10 नाड़ियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, कहाँ उनका स्थान है, किस प्रकार का उनका काम है, किस प्रकार की कार्य क्षेत्र उनका रहा है, उस पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही, आगामी व्याख्यान में आपके सामने नाड़ियों की जो कार्य क्षेत्र है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, प्राण क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उप प्राण क्या है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, कुंडलिनी शक्ति क्या है, इफेक्ट कुंडलिनी शक्ति के क्या है उन पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे, और हम चर्चा करेंगे कि 60 चक्र साधना क्या है, किस प्रकार से 6 चक्रों की साधना करके आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं आदि विषयों पर भी आगामी व्याख्यान में आपके सामने चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही, आप सबका धन्यवाद। सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुंडलिनी योग के इस व्याख्यान में, तंत्र के इस व्याख्यान में। अभी हम चर्चा कर रहे थे आपके सामने कि नाड़ियां क्या हैं, नाड़ियों की चर्चा हमने आपके सामने की, स्पेसिफिक 10 नाड़ियों का वर्णन हम आपके सामने करेंगे कि कौन सी 10 नाड़ियां प्रमुख रूप से कही गई हैं, जिनको मान्यता दी गई है। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ईड़ा नाड़ी की। ईड़ा नाड़ी जो है हमारे वाम भाग में स्थित होती है, यानी कि पूरी बॉडी के लेफ्ट साइड में जो कहा गया है उसको ईड़ा नाड़ी कहा गया है। 3 प्रमुख नाड़ियों में एक नाड़ी ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी जो है वो शालीनता का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है, और एक प्रकार से आप देखेंगे सतोगुण इसको, गुणी इसको कहा गया है। बहुत सारे व्यक्ति मानते हैं कि तमोगुणी है, और जो सुषुम्ना है वो सतोगुणी है, और जो रज है वो पिंगला है वो रजोगुणी है, और पिंगला रजोगुणी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ईड़ा है वो सतोगुणी है और जो सुषुम्ना है वो तमोगुणी है। बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि कंट्रोवर्सी बात है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सुषुम्ना इसलिए आपकी तम को करती है क्योंकि जागृत नहीं है ना, उसको जागृत करने के बाद ये उसमें आती है सतह में, लेकिन तब तक जब ये मूलाधार में शक्ति हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी रहती है तब तक हम इसको उसमें नहीं रख सकते, सतव गुण में नहीं रख सकते। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे, इसलिए इसका जो ईड़ा है वो पूरे जो शरीर में जो उसका स्थान है वो पूरी लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट जो हिस्सा है हमारा वो पूरा का पूरा ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट नोस्टल हमारी ईड़ा को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा जो चंद्र जो नाड़ी है उसको भी हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, यानी कि लेफ्ट स्वर यानी कि लेफ्ट नोस्टल, लेफ्ट पूरी बॉडी का भाग, या चंद्र नाड़ी या शीतल या शीतलता को रिप्रेजेंट करती है, शीतलता इससे आती है इससे, और जैसे पिंगला होते उससे सूर्य का उससे प्रभाव है। जैसे स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं, ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना मिडल, गांधारी लेफ्ट आई, हस्तजिह्वा राइट आई। यानी कि ईड़ा है वो लेफ्ट में स्थान है, पिंगला है उसका राइट में स्थान है। पिंगला का जो गुण है वो स्वभाव है वो आपको देखेंगे कि सूर्य का जो स्वभाव है वैसा ही है, गर्म है, रजोगुण इसको कहा गया है, पूरे बॉडी के राइट पार्ट में ये होती है। और इसके बाद सुषुम्ना जो है
और जो पिंगला है उसका स्वभाव तीव्र होता है, काम करने की क्षमता होती है, चंचलता उसमें आती है। सुषुम्ना मिडल में कही गई है, यानी कि जो हमारे मध्य भाग में जो स्थित होती है, जो पिंगला है वो राइट स्वर उसको कहा गया है, सूर्य स्वर उसको कहा गया है। सुषुम्ना यानी कि मध्य, ईड़ा और पिंगला दोनों के मध्य जो नाड़ी स्थित है, जिनसे उन दोनों का जब बैलेंस बनता है, हमारा लेफ्ट स्वर चेंज होता है, राइट स्वर चेंज होता है दूसरे स्वर में, तो कुछ समय के लिए हमारी सुषुम्ना जागृत होती है। दोनों नोस्टल से जब श्वास आना शुरू होता है, दोनों जो बॉडी के जो पार्ट हैं वो सक्रिय अवस्था में आते हैं, बुद्धि सक्रिय अवस्था में आती है, उस समय पे सुषुम्ना का जागरण होता है। और तंत्र योग का उद्देश्य है कि सुषुम्ना को जागृत करना, कुंडलिनी को जागृत करना। वही एक बात है, जब आपका जो प्राण है सुषुम्ना में प्रवाहित होना शुरू होता है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत होती है। इसलिए सुषुम्ना को हमने उसमें मिडल में रखा गया है, सबसे प्रमुख जो नाड़ी है। कहें कि सबसे जितनी भी नाड़ियां हैं सबसे प्रमुख नाड़ी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी उसमें सबसे प्रमुख है। ईड़ा और पिंगला, यदि तीन प्रमुख नाड़ियां पूछी जाएं तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। आप कहेंगे ईड़ा सूर्य स्वर को, ईड़ा लेफ्ट स्वर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, चंद्र नाड़ी भी इसको कह सकते हैं। पिंगला सूर्य नाड़ी को कहा गया है, राइट नोस्ट्रल को कहा गया है। इस प्रकार से आ सकता है कि सूर्य नाड़ी किस नाड़ी को कहा गया है, दूसरा नाम सूर्य नाड़ी किस नाड़ी का नाम है, सुषुम्ना किसको कहा गया है, मध्य कहा, मध्य भाग होता है उसमें कहा गया, इसमें ब्रह्म नाड़ी भी होती है, इसमें भी तीन नाड़ियां होती हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से कोई एक नाड़ी पूछी जाए तो सुषुम्ना का आप नाम लेंगे, तीन मुख्य रूप से नाड़ियां पूछी जाए तो आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का आप नाम लेंगे। उसके बाद गांधारी, जो गांधारी जो हमारी नाड़ी होती है वो हमारी बाई आंख में स्थित होती है, यानी कि लेफ्ट आई उसका स्थान कहा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि गांधारी हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को आप साइड में रखेंगे, उसके बाद जो सात बची हैं उनको हम देखेंगे, तो सबसे पहले आता है गांधारी का नाम, गांधारी। और गांधारी को कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा एक आपको टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाभारत में जो कौरवों की जो माँ थी, यानी कि धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, वो गांधारी उसका नाम था। आपने देखा होगा आंखों पे पट्टियां उसने पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि जो धृतराष्ट्र जी थे वो अंधे थे, सूरदास थे, उनको दिखाई नहीं देता था, तो उन्होंने अपने पति जो अंधे हैं तो उसकी एवज में उन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी कि जिस प्रकार से मेरे पति संसार को नहीं देख पा रहे, मैं भी जीवन पर्यंत नहीं देखूंगी। बहुत बड़ा त्याग उसका कहा जाता है और बहुत बड़ा फैसला इस प्रकार से लिया जाता है। तो गांधारी का स्थान लेफ्ट आई, यानी कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बाद गांधारी आएगा। गांधारी यानी कि आंख से संबंधित है, और वो लेफ्ट यानी कि शुरू करेंगे तो बाएं से शुरू करेंगे वो, इसलिए गांधारी को लेफ्ट आंख में आप रखेंगे, यानी आईज में रखेंगे, यानी कि बाई जो आंख है उसमें वो स्थित है। हस्तजिह्वा, हस्तजिह्वा आपकी दाई आंख में स्थित होती है, राइट आई उसका स्थान कहा गया है। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं पूषा, जो छठी जो नाड़ी है आपकी, वो पूषा है, वो राइट कान ईयर यानी कि जो आपका दायां जो कान है उसमें स्थित है। यशस्विनी आपके लेफ्ट कान में यानी लेफ्ट ईयर में, यानी कि आपका जो बायां कान है उसमें आपकी स्थित है। अलम्बुषा आपके मुंह में स्थित है, अलम्बुषा को मुंह से आप रिलेट करके चलेंगे। कुहू आपके पेनिस में है, और जो शंखिनी है वो उसका स्थान एनस यानी कि गुदा प्रदेश उसका कहा गया है, और पेनिस यानी कि लिंग प्रदेश उसको कहा गया है। इस प्रकार से आप इनको नोट डाउन भी कर लें स्लाइड के माध्यम से भी, कि कौन सी नाड़ी का स्थान कहाँ पे है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और इसकी बहुत संभावना, प्रबल संभावना रहती है क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि बहुत सारे 10 में कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सी कहाँ है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को साइड में रखेंगे, ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना मध्य। उसके बाद गांधारी को मैंने कहा कि बाईं आंख में गांधारी है, उसको अलग से आप रखेंगे। दो को अलग छांट लेंगे, जो सबसे लास्ट में शंखिनी, शंखनी यानी कि गुदा प्रदेश में स्थित है, और कुहू है वो लिंग प्रदेश में स्थित है। इन दो को अलग रख लेंगे, जो लास्ट की जो दो हैं कुहू और आपकी शंखिनी, वो उनका स्थान अलग अलग है, लिंग प्रदेश और गुदा प्रदेश। उसके बाद अलम्बुषा मुंह में उसका स्थान रखेंगे। दो आंखें, दो आंखों में हैं, दो कानों में हैं, एक मुँह में है, एक लिंग प्रदेश में है, एक गुदा प्रदेश में है, एक बाएँ हिस्से में है, एक दाएँ हिस्से में है, एक बीच में है। इस प्रकार से आप उसको डिवाइड करके अपने तरीके से लिखेंगे, तो आप इसमें अपना चार्ट बना लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी परीक्षा के लिए। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्राणा, प्राण क्या है। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्राणा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्राण का फंक्शन क्या है और उसका स्थान कहाँ पे हमारे शरीर में स्थित होता है। ये पूछा जा सकता है कि फला प्राण कहाँ पे स्थित है या फला प्राण का क्या काम है, इसलिए हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं प्राण की। और प्राण में सबसे पहले प्राण क्या है, प्राण है जीवन का आधार, प्राण है जीवनी शक्ति, प्राण है वाइटल फोर्स,
जिसके द्वारा इस जीवन की उत्पत्ति है, इस जीवन का जो निर्वहन कर रहे हैं, इसके ना होने से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, इस उसको हम प्राण कहेंगे। तो प्राण के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से प्राण के भेद 10 कहे गए हैं। 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उसमें उपप्राण कहे गए हैं। तो उपप्राण पूछे जाएं तो 5 हैं, मुख्य प्राण पूछे जाएं तो 5 हैं। शब्द आए तो मुख्य प्राण कितने हैं तो 5 आप लिखेंगे। सवाल आए कि उपप्राण, प्राण के कुल प्राण कितने हैं, भेद कितने हैं प्राण के, तो 10 आप लिखेंगे। उपप्राण के कितने भेद हैं, 5 आप लिखेंगे। और जो प्राण है, जो मैं सिक्वेंस में आपको बताऊंगा, प्राण अपान समान उदान व्यान, उन्हीं के सिक्वेंस में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये उनके उपप्राण हैं, इनका क्या फंक्शन है, किस प्रकार का एक्टिविटी बॉडी में होती है, तो वो किस उपप्राण के माध्यम से होती है, ये जो एक्टिविटी होती है किस प्राण के माध्यम से होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं प्राण, तो स्लाइड के माध्यम से भी आपको अच्छे से पता चलेगा। पहले हमने नेम ऑफ प्राणा लिखा है, फंक्शन ऑफ प्राणा, और उसके बाद प्लेस ऑफ प्राणा, इसलिए आप उनको अलग अलग से डिजाइन कर सकते हैं। प्राण, प्राण यानी कि श्वास, सबसे पहले जिसका काम श्वसन है, ब्रीदिंग जिसका काम है, मैं ब्रीद इन कर रहा हूँ, मैं ब्रीद आउट कर रहा हूँ, मैं ब्रीद को होल्ड कर रहा हूँ, मैं ब्रीद को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस प्रकार का जो काम है वो प्राण का काम कहा गया है। यानी कि प्राण का काम है श्वसन संबंधी जितना कार्य है, श्वास लेना उसको श्वास कहते हैं, छोड़ने को प्रश्वास कहते हैं, ये सारी एक्टिविटी प्राण के अंदर आती है। इसका जो स्थान है वो कहाँ है, वो लंग्स यानी कि हमारा जो वक्ष स्थल है, जो फेफड़े जिसको कहे गए हैं, कहे हैं, वो इसका स्थान कहा गया है प्राण का। दूसरा कहाँ का स्थान आता है, अपान, अपान यानी कि जो अपान वायु होती है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आपका जो मलमूत्र का जो त्याग करते हैं वो आपका अपान प्राण के माध्यम से वो संभव होता है। पेरेनियम जो ग्लैंड होता है हमारा, उसमें इसकी ये स्थित होता है। उसके बाद समान का जो स्थान आता है, समान यानी कि समान को आप इस से भी ध्यान रख सकते हैं, समान यानी कि जो सम हो, सम यानी कि बैलेंस, यानी कि जैसे मध्य प्रदेश हमारे देश में है, मध्य यानी कि पूरे भारत के मध्य में जो स्थित है, समान जो दो प्राण ऊपर कहें, दो प्राण नीचे कहें, उनके बीच में जो प्राण है उसको समान प्राण कहें, समान और बीच में है, बीच का मध्य प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश हमारा पेट को कहा गया है, यानी कि उधर को हमारा मध्य प्रदेश कहा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और नेवल इसका स्थान कहा गया है, नाभि में ये स्थित होता है। ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ। और उसके बाद उदान, उदान किस प्रकार से आपका उदान जो है वो निगलने का काम करता है। निगलने का काम कहाँ से होता है, गले से होता है, यानी कि जो निगलने की जो प्रक्रिया में जो काम आता है वो उदान प्राण कहा गया है। इसका जो स्थान है वो कंठ प्रदेश यानी कि थ्रोट को कहा गया है। उसके बाद व्यान, व्यान यानी कि पूरे जो पूरे प्राण में, जो पूरे शरीर में स्थित होता है, एडी से लेकर के चोटी तक जो स्थित होता है उसको व्यान कहा गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम को जो एक्टिवेट रखता है, प्राण को सर्कुलेट करना, एनर्जी को सर्कुलेट करना, ब्लड को सर्कुलेट करना, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, ये जितने भी काम हैं ये व्यान के हैं। और क्योंकि पूरी बॉडी में प्राण चाहिए, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम चाहिए, एयर चाहिए, आपको ब्लड की सप्लाई चाहिए, वो सारा व्यान के माध्यम से होता है। और इसका जो स्थान होता है पूरा शरीर इसका स्थान कहा गया है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं उपप्राण की। उपप्राण क्या है, जो प्राण है उन्हीं के उपप्राण आपके चर्चा कर रहा हूँ। प्राण का उपप्राण नाग, नाग का अर्थ है डकार लेना, डकार का जो कार्य है नाग का काम है। कूर्म जो है आंखें की जो पलके हमारी होते हैं, पलके झपकाना जो हमारा होता है वो कूर्म उपप्राण के माध्यम से होता है। उसके बाद क्रिकल, क्रिकल जो होता है भूख प्यास को प्रेरित करता है, भूख लगती है प्यास लगती है, वो क्रिकल जो हमारा उपप्राण होता है उसके माध्यम से हमें वो भूख प्यास लगती है। उसके बाद देवदत्त यानी कि जो जम्भाई हम लेते हैं मुंह को चौड़ा करके एकदम से जम्भाई हमें आती है, वो देवदत्त प्राण का फंक्शन होता है। उसके बाद धनंजय यानी कि जो जीवन जब हमारा समाप्त हो जाता है, हम मृत हो जाते हैं, उसके बाद भी बॉडी में स्थिर रहने वाला जो उपप्राण है वो आपका धनंजय कहा गया है। कुछ समय के बाद वो स्थित रहता है बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए, को सड़ाने के लिए, गलाने के लिए उस प्राण का उपप्राण का प्रयोग होता है। इसलिए प्राण का उपप्राण नाग, उसके बाद अपान का कूर्म, समान का क्रिकल, और देवदत्त का उसके बाद आपने कहा, उसके बाद देवदत्त, उसके बाद धनंजय, ये पांच प्राणों के पांच उपप्राण कहे गए हैं। इनके मैंने फंक्शन आपको बताए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति क्या है, बहुत अहम विषय है। कुंडलिनी सबसे पहले देखते हैं कुंडलिनी शब्द का अर्थ क्या है। कुंडलिनी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साइंस है जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस पावर जो हमारी बॉडी में रहती है उसको कॉन्शियस फॉर्म में करना। तो कुंड शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। कुंड शब्द का अर्थ होता है गहरा गड्ढा या गहरा छेद हम जिसको कहें, जहाँ पे हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सोई रहती है, उसको जगाना ही कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। तो उस कुंडलिनी शक्ति को कैसे हम जगाएंगे, उसका स्थान कहाँ है, उसकी चर्चा हम आपके सामने इसके माध्यम से कर रहे हैं।
तो उसके बाद हम देख रहे हैं, ये चित्र आप देख रहे हैं, चित्र में आप देख रहे हैं कुंडलिनी, यानी कि सांप की तरह एक, ये केवल केवल आपको प्रतीक मात्र के लिए दिखाया गया है कि एक सांप नीचे मूलाधार चक्र में स्थित होती है, वहां पे वो स्थित होती है, वो एनर्जी धीरे धीरे उसका ऊर्ध्वगमन कर करके हम अपने सहस्त्रार चक्र तक उसको लेके जाते हैं, उस कुंडलिनी को जागृत करने का हम प्रयास करते हैं। इस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति कही है, कुंडलिनी अनकॉन्शियस पावर को कॉन्शियस फॉर्म में ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है, और अपनी ताकत को बढ़ाने का, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने एरिया को विस्तृत करने का काम कुंडलिनी शक्ति से किया जाता है। सुमित जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। हेलो 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 जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हेलो मुझे समझना था कि योग वशिष्ठ में प्राणों के अलग अलग स्थान बताए गए जी, क्वेश्चन आता है इनके स्थानों के लिए, तो उससे कैसे रिलेटेड करेंगे, बहुत अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर देना है। हाँ, जी मैं आपको बताऊं, जो प्राण और उपप्राण की जो बात कही गई है, मैंने अभी आप उसमें चर्चा की कि प्राण जो है मुख्य है पांच, और प्राण उसके उपप्राण पांच हैं, लोकेशन मैंने उसकी बताई, प्राण जो है वो हमारा वक्ष स्थल में स्थित होता है, उसके बाद अपान जो हमारा होता है वो गुदा प्रदेश में हमारा स्थित होता है, उसके बाद मैंने समान की बात कही जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है उसमें हमारा स्थित होता है, उसके बाद मैंने उदान की बात की जो कंठ प्रदेश में हमारा स्थित होता है, उसके बाद जो नीचे जो सबसे जो अंत में जो हमने कहा व्यान, वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है, ऐसे ही नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय की बात हमने कही, और उनके जो लोकेशन है नाग का, प्राण का जो लोकेशन है वही उपप्राण का, उसका जो नाग है उसका लोकेशन आप समझेंगे, मैंने इसीलिए आपको बताया था, और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका अलग अलग काम है, डकार लेना नाग का है, उसके बाद पलके झपकाना कुर्म का है, क्रिकल का भूख प्यास को प्रेरित करना है, देवदत्त का काम जम्भाई लेना है, और उसके बाद धनंजय का काम बॉडी को डिकम्पोज करना है, मैंने ऐसा आपको बताया जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का हल जरूर मिला होगा जी। सोमी जी, हम तो कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी हमारी शक्ति का आधार है, और कुंडलिनी शक्ति घेरा बनाए हुए है, सुप्त अवस्था में है, उसको योग मार्ग से हम जागृत करके अपने आप को मुक्ति के सोपान तक लेके जा सकते हैं। तो कुंडलिनी बहुत ही विस्तृत शब्द है, आप चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कुंडलिनी जो नीचे मूलाधार में सोई है वो ईड़ा और पिंगला से ट्रांसफर होती हुई सुषुम्ना के माध्यम से हमारा जो है आज्ञा चक्र है वहाँ पे मिलती है, और उससे है वो ब्रह्मरंध्र में पहुँच करके, सहस्त्रार चक्र में पहुँच करके एक ऐसा प्रकाश हमारे जीवन में होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, बहुत बार आप देखें आप बहुत थकान आपको हो, बहुत परेशान आप हैं, बहुत शारीरिक थकावट आपको है, बहुत हार्ड वर्क आपने किया है और आपकी उठने की और चलने की हिम्मत तक नहीं होती, उस समय पर आप निढाल पड़े होते हैं कि कोई यही सब कुछ हमें पानी तक पिला दे, और आप देखें कोई सांप वहां आ जाए या कोई डरावना कोई और चीज को वहां पे आ जाए या कोई हिंसक पशु एकदम से वहां पे आ जाए, आप भाग करके खड़े होंगे, पेड़ पे फटाफट चढ़ जाएंगे, इतनी दूरी का गैप जो कि आप सामान्यतः नहीं कूद सकते उस गैप को भी आप पार कर सकते हैं, और इतना तेजी से आप दौड़ते हैं कि आप जैसे कि आप ओलंपिक में आप दौड़ रहे हैं, और वो थकान वो तनाव वो कहां गया, किसी ने आपकी बॉडी में पावर को इंजेक्ट नहीं किया, किसी ने प्रेरित नहीं किया, किसी ने आपको दी नहीं, वो इमरजेंसी ग्लैंड होने के एक्टिव होने से आपकी जो अनकॉन्शियस पावर थी वो कॉन्शियस फॉर्म में हो गई, और वो कॉन्शियस फॉर्म आपको एनर्जी से भरपूर कर रही है, सारी थकान आपकी मिट गई। योग का यही कंसेप्ट है, कुंडलिनी का यही कंसेप्ट है कि अनकॉन्शियस जो पावर बॉडी में है उसको कॉन्शियस फॉर्म में कन्वर्ट करना और 24 आवर उसको लाइव रखना जी। सोमवीर जी, अगले कॉलर हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। मैम मेरा नाम ममता सांगवान है। जी ममता जी, मैम मैं हरियाणा से खरखोदा कन्या महाविद्यालय से बोल रही हूँ। जी आप प्रश्न पूछें। मैम मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि प्राण में और उप प्राण में कोई कनेक्शन है, मतलब कोई लिंक है इनमें कोई? जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया ममता जी, कि प्राण और उपप्राण में मैंने अभी लिंक बताया कि जो प्राण होते हैं वो पांच होते हैं मुख्य, उन्हीं के पांच उपप्राण कहे गए हैं, उनमें बिल्कुल लिंक है, जैसे आपका प्राण का आपका नाग के साथ लिंक है, उसके बाद अपान का आपका कुर्म के साथ लिंक है, उसके बाद आपका समान का आपका क्रिकल के साथ लिंक है, उसके बाद आपका उदान का आपके आपके देवदत्त के साथ लिंक है, और उसके बाद आपने जो व्यान है आपका जो प्राण है उसका धनंजय के साथ उसका लिंक है, वो उसके उप प्राण उसके आश्रित आश्रय में रहते हैं, आश्रित होते हैं उनके। जी उम्मीद करते हैं आपको भी आपके प्रश्न का हल जरूर मिला होगा, और निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जिज्ञासाओं को यहाँ तृप्त किया जा सके। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए, हमारा नंबर है 1800-110-4300।
जी जान लेते हैं अगर हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो। गुजरात से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं। हाँ मैम, मेरा एक प्रश्न है, मैं अशोक चौधरी बोल रहा हूँ गुजरात से। जी अशोक जी। हाँ सर, मैं सोमवीर जी सर से बात करना चाहता हूँ। जी आप अपना प्रश्न पूछे। सर जो काम कर रहे हैं योगा का, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी, इसलिए सर को धन्यवाद देना है। और मेरा एक प्रश्न है सर। जी पूछे। हाँ सर, तंत्र और आगम में भेद क्या है सर? हाँ, तंत्र और आगम में भेद मैंने कहा, तंत्र होता है ज्ञान की वो प्राकाष्ठा जिसकी को ब्रॉड करने से, जिसको विस्तृत करने से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो, वो तंत्र कहा गया है। और आगम वो कहा गया जो भगवान शिव द्वारा उपदेशित ग्रंथ हैं, उनके संप्रदाय सिमिलर हैं लेकिन उनमें नाम में उनका थोड़ा सा भेद मैंने कहा, यही है जी। उम्मीद करते हैं इनको भी इनके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। मित्रों निरंतर आपके प्रश्न हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए और अपनी जिज्ञासाओं को तृप्त करने के लिए। और हमारी भी यही उम्मीद है कि आप की जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनके सही सही जवाब आपको मिले। सोमवीर जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जान लेते हैं अगर हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हम इस प्रश्न को भी ले लेते हैं। हेलो, हमारे अगले कॉलर हरियाणा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। मैं निशा भारद्वाज बोल रही हूँ जी, गुड आफ्टरनून निशा जी। मैम हम सरकार लेक्चर लाइव देख रहे हैं कन्या मार्ग कॉलेज से। जी बहुत तो बढ़िया। सर से एक क्वेश्चन पूछना था मैम। जी पूछिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो ये हमारी अंदर जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, इसका जन्मजात भी कोई रिलेशन होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया निशा जी, मैं उसी सवाल पे भी आ रहा था। जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो जन्मजात जागृत होती है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि जन्मजात कुंडलिनी जागृत होती है, पूरे जन्म के संस्कार शेष होते हैं, पूरे जन्म की साधना होती है, उसके कारण आपको जन्मजात कुंडलिनी से की जागरण की जो सुविधा है वो मिलती है। जिनके बहुत अच्छे संस्कार रहे हैं, बहुत अच्छी साधना जिन्होंने पूर्व जन्म में की है, उन व्यक्तियों की जन्मजात कुंडलिनी जागृत होती है। उसी पे हम चर्चा अब आपके सामने कर रहे हैं। तो उसमें फॉर नेचर हम बताएंगे कुंडलिनी जागरण के, तो उसमें कंट्रोल ऑफ ईडा एंड पिंगला, अवेकिंग ऑफ चक्राज, अवेकिंग ऑफ सुषमना, अवेकिंग ऑफ कुंडलिनी, यानी कि चार आधार उसके कहे गए हैं, ईड़ा और पिंगला का समानता, उसके बाद चक्रों की समानता, उसके बाद सुषमना के माध्यम से उसको जगाना, इस प्रकार से कुंडलिनी के चार भेद कहे हैं। और हम उसी चीज़ पे अभी आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ द कुंडलिनी अवेकिंग, कुंडलिनी को जागृत करने के तरीके क्या क्या हैं वो मैं आपको अभी एक लाइन में बताना चाहता हूँ। बाई बर्थ यानी कि जन्मजात बहुत सारे व्यक्तियों की होती है जिनके पूरे जन्म के संस्कार शेष होते हैं। उसके बाद मेडिसिन यानी कि जन्म औषधि जो होती हैं, औषधियाँ जो होती हैं उनके द्वारा भी आप कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, कुछ दिव्य औषधियाँ होती हैं आयुर्वेद की। उसके बाद मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, तप यानी कि तप के माध्यम से करेंगे, आसनों के माध्यम से भी हो सकती है, प्राणायाम के माध्यम से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, डेडिकेशन बहुत सारी श्रद्धा आपकी हो उसके माध्यम से भी हो सकती है, सरेंडर टू गॉड भगवान में जब आपका समर्पण होता है तो भी आप कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इफेक्ट ऑफ कुंडलिनी शक्ति। मैंने बताया कि अनकॉन्शियस पावर को 24 आवर कॉन्शियस फॉर्म में रखना, अपनी जो अद्भुत जो शक्ति है उसको 24 आवर लाइव रखना ही कुंडलिनी शक्ति का इफेक्ट हमारी बॉडी में कहा गया। उसके बाद षट चक्र साधना को एक बार हम पढ़ लेते हैं। छह चक्र मुख्य रूप से कहे गए हैं, सबसे पहले मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। चित्र के माध्यम से आप देखेंगे, सबसे पहले रूट में हमारा मूलाधार है, उसके बाद हमारा स्वाधिष्ठान है, उसके बाद मध्य में हमारा मणिपुर है, उसके बाद हृदय प्रदेश के पास हमारा अनाहत चक्र है, फिर गले में विशुद्धि और माथे के ऊपर भ्रुकुटी में हमारा आज्ञा चक्र है। इन चक्रों के क्या नाम हैं, क्या कितनी पंखुड़ियां हैं वो हम जान लेते हैं, वो क्वेश्चन आपका आ सकता है एक एक उस स्लाइड के माध्यम से। जो मूलाधार चक्र है उसका जो अक्षर है वो लय कहा गया है और उसके जो आधार हैं वो चार हैं। चार जिस प्रकार से आप देखें चित्र में, इस प्रकार से चार पंखुड़ियां आप देख रहे हैं, ये लय के ऊपर एक दो तीन और चार, ये पंखुड़ियां इसको कहा गया है। तो इन पंखुड़ियों की जितनी संख्या हो उतनी ही उसकी पंखुड़ियों के वो कहे गए, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप स्वाधिष्ठान चक्र को आप ध्यान रखेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र में हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच और छः, छह पंखुड़ियां उसमें होती हैं, इसलिए आप देखेंगे जितने चित्र में आपको ये दिख रही हैं उतने ही उसकी पंखुड़ियां आप याद रखेंगे और इसका वह इसका शब्द कहा गया है। उसके बाद मणिपुर चक्र का जो अक्षर है वो रे है। जी मैम। जी हम एक पहले हमारे कॉलर जो जुड़ चुके हैं हमारे टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। जी मैम, मैं ममता सांगन बोल रही हूँ। हमारी क्लास सारी आपको देख के बहुत एक्साइटेड है और एक क्वेश्चन और आया है हमारे बीच में। जी मैं सर से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये चित्रा नाड़ी जो बताई है, ये चित्रा नाड़ी और सुषमना नाड़ी क्या एक ही है? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया ममता जी।
चित्रा नाड़ी भगवान शिव के द्वारा उपदेशित एक 14 नाड़ियों में एक अन्य नाड़ी कही गई है, सुषुम्ना का भेद नहीं कहा कहेंगे हम इसको। इसको चित्रा नाड़ी को जो स्पेसिफिक जो इसका वर्णन है, भगवान शिव ने कहा है कि 14 नाड़ियों के अतिरिक्त मुझे एक नाड़ी अत्यंत प्रिय है और वो जो नाड़ी है वो चित्रा नाड़ी है, उसका भेद नहीं कह सकते हम इसको स्पेसिफिक। उसको चित्रा नाड़ी अलग नाड़ी कहा है, उसको इसका स्थान तो वही उसके जो सुषुम्ना है उसके पास बताया है, लेकिन सीधा सीधा उसके साथ संबंध उन्होंने नहीं इसका बताया है। जी, लगता है आपको भी हमारे जो लेक्चर्स हैं इनसे बहुत लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए सभी छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर इस लेक्चर का आनंद उठा रहे हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जी सोमवीर जी, हम चाहेंगे कि आप इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करें। उसके बाद मणिपुर चक्कर में रें आप शब्द देख रहे हैं, उसके बाद अनाहत चक्कर में ये शब्द आता है, उसके बाद आप देखेंगे विशुद्धि चक्र जो है वो है उसका शब्द है, उसकी पंखुड़ियाँ आप गिनते रहेंगे, उसके बाद हमारा जो आज्ञा चक्र है उसमें दो पंखुड़ियाँ कही गई हैं, ओम उसका ये जो है रंग कहा गया, ओम उसका शब्द कहा गया है। इस प्रकार से चक्र की साधना हमने की, 6 चक्र ही मुख्य रूप से आपके सिलेबस में है, 6 चक्र ही आपके आएंगे, ज़्यादा चक्र 7 चक्र होते हैं, किसी के 9 चक्र वो आप कहते हैं, 8 चक्र कहते हैं, लेकिन अब यहाँ 6 चक्र, यानी कि सबसे पहले मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद अनाहत, उसके बाद विशुद्धि, उसके बाद आज्ञा, इस प्रकार से 6 चक्रों की आप ध्यान रखेंगे। और जो चक्रों पर हमने पहले भी आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत किया है उससे भी आप विस्तृत जानकारी चक्रों की आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको व्याख्यान पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे इंक्वायरीज की थी कि इस प्रकार का व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके सामने व्याख्यान को लेकर के आए, आगामी विषय पे भी किसी अन्य विषय पे हम व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सोमवीर आर्य जी को, जिनके माध्यम से आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और जितने भी हमारे परीक्षार्थी हैं जो नेट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने आज ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया। हम यही चाहेंगे कि आप YouTube पर जितने भी लेक्चर्स आप सभी के लिए अपलोड किए गए हैं इन लेक्चर्स को बार बार देखें और परीक्षाएँ दें। हम यही उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आप ज़रूर उत्तीर्ण होंगे। और हम सभी मित्रों को जिन्होंने हमें कॉल किया, प्रश्न पूछे, आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी के प्रेम, आप सभी के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे लाइव लेक्चर्स का हिस्सा बनिए, लेक्चर्स देखिए और अपनी जिज्ञासाओं को तृप्त कीजिए। मित्रों, हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं कि अगर आप किसी विषय पर लेक्चर चाहते हैं कि हम आपके लेक्चर आयोजित करें, या फिर आप अपने फीडबैक या सजेशन, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और हम आपसे वादा करते हैं जल्द हम मिलेंगे और जल्द ही योग विषय पर एक लेक्चर आपके लिए आयोजित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।